और अब खबर कोटा से है, जहां गर्भवती महिला को पुलिस कर्मचारियों द्वारा घसीटने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले को लेकर कोटा व्यापार संघ और हॉस्टल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने हॉस्टल मालिक को सही बताया और हॉस्टल का संचालन कर रही महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहीं यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं, चाहे दिल्ली हो, यूपी के हो, पहले भी यहाँ आए, यूपी से आए थे, खुद दिल्ली से आए थे, और वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से धोखाधड़ी की जाए, किस तरह से यहाँ से हॉस्टल से पैसा ऐड के ले जाया जाए। मैं किसी का चरित्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो इस हॉस्टल में वाकया हुआ है उनके वास्तविक तथ्यों को देखते हुए ये एक साफ लग रहा है कि इस हॉस्टल में पैसे हड़पने की, इनको बेवकूफ बनाने की एक साजिश रची गई, लेकिन वो साजिश इतनी बड़े अंजाम में चल गई कि उस महिला द्वारा जिसने इस हॉस्टल का संचालन किया, इस मोड़ पे ले जाके यहाँ के व्यवसाय को कर दिया कि आज कोटा की छवि महिला लोक आयोग